Assalamualaikum, वेलकम बैक टू ना द ब्लॉग ऑफ हंसबाजी। तो कल के ब्लॉग में मैंने बताया था कि आज भी एक दावत है, 20 लोगों की दावत रखी है। सहरी का टाइम हो चुका है, मैं और अजीम तो पहले खा चुके हैं, तो इसलिए हम सहरी प्रॉपर नहीं करेंगे। मतलब जब अजान की टाइम के लिए थोड़ा टाइम होगा तब मैं बस चाय बना के पी लूँगी। चाय तो मस्ट है मेरे लिए, अदरवाइज मैं कुछ खाने नहीं वाली क्योंकि पेट तो भरा है। तो जो टाइम है उसमें हम काम निपटाएंगे। तो मैंने कस्टर्ड के लिए, मतलब फ्रूट ट्रफल के लिए मैंने कस्टर्ड बना दिया है इधर, और ये हो रहा है हमारा ड्राई फ्रूट। और मैं डिश डिसाइड नहीं कर पा रही हूँ कि किस में डिश आउट करूँगी, कि ट्रफल है ना पहले सेट करके रखना होता है, तो मैं डिसाइड ही नहीं कर पा रही हूँ क्योंकि ट्रफल के लिए फ्लैट डिशेस चाहिए और मेरे पास उतने फ्लैट डिशेस हैं नहीं। क्योंकि हम फैमिलीज, नॉट जस्ट फैमिलीज को हम बुला रहे हैं बल्कि सिंगल लोग रहते, सिंगल का मतलब ये नहीं, सिंगल नहीं शादीशुदा हैं फिर भी फैमिली से दूर रह रहे हैं, उनको भी हम बुला रहे हैं। तो हम कैसे बैठेंगे, लेडीज़ अलग जेंट्स अलग करके बैठेंगे। तो इस वजह से मुझे हर चीज़ दो दो इसमें करना पड़ेगा और मुझे कंफ्यूजन हो रहा है किस किस में निकालूं। इसमें जेंट्स के लिए हो जाएगा, सोच लेडीज के लिए बहुत छोटा पड़ जाएगा। कितने लेडीज हैं, शायद मुझे ये जेंट्स के लिए, ये दोनों लेडीज के लिए डालना पड़ेगा। पहले मैं शुरू कर रही हूँ कॉलीफ्लावर से, ये कॉलीफ्लावर फ्राई बहुत अच्छा लगता है, तो कॉलीफ्लावर कॉर्न फ्राई के लिए मैं मसाला लगा के रख रही हूँ ताकि वो थोड़ी देर मैरिनेट हो जाए। इसमें मैंने घर के पिसे हुए मसाले डाले हैं जो अम्मी ने इंडिया से भिजवाए थे, तो वो मसाले यूज़ किए हैं। और फिर अब मैं ऐड कर रही हूँ चावल का आटा ताकि क्रिस्पी हो जाए। तो इस व्लॉग को कंटिन्यू करने से पहले मैं बताना चाह रही हूँ कि ये व्लॉग इफ्तारी टू शॉपिंग 2022 व्लॉग का कंटिन्यूशन है। तो इसको देखने से पहले अगर आपने वो व्लॉग नहीं देखा है तो ज़रूर देखें, तब आपको समझ में आएगा। तुम बाहर जाके आए हुए थे तो मैं जल्दी जल्दी सहरी से पहले सारी चीज़ें प्रेपरेशन कर रही हूँ। अब मैं बना रही हूँ कस्टर्ड फ्रूट ट्रफल की तैयारी। तो इसके बेस के लिए मैं बिस्किट को ग्राइंड कर रही हूँ और बटर से इसको अच्छे से मिक्स कर दूँगी। यहाँ मैंने मेल्टेड बटर यूज़ किया है, मैंने बिस्किट भी कोई सॉफ्ट बिस्किट नहीं यूज़ किया है। डाइजेस्टिव बिस्किट्स नहीं होते जो थोड़े क्रम्बली होते हैं वो अच्छे लगते हैं, क्योंकि सॉफ्ट बिस्किट्स यूज़ करेंगे तो एकदम से चिपक जानी है, आटा आटा फील होगा जब आप खाएंगे तो इसलिए मैंने ये चूज़ किया। और अब इसको अच्छे से सेट कर रही हूँ नीचे, मतलब बेस लेयर। तो यहाँ मैं ऐड कर रही हूँ कस्टर्ड जो मैंने बना के रखा हुआ था, ये अच्छे से ठंडा हो चुका है तो मैंने इक्वली इसको स्प्रेड किया है। उसके बाद मैंने ऐड किया फ्रूट्स, कट फ्रूट्स। पहले मैंने सोचा अच्छे से सजाऊंगी मगर बहुत लेट हो रहा था तो मैंने फटाफट ऐसे ही कट फ्रूट्स डाल दिया है ऊपर वाला लेयर। आप जैसे चाहे उसको सजा सकते हैं। और उसके ऊपर वापस से मैंने कस्टर्ड इवनली स्प्रेड कर दिया है, तो उसके ऊपर से मैं स्प्रेड करी हूँ सब्ज़े के बीज। और जब वो ठंडा हो जाएगा कम्प्लीटली तो मैंने जो रास्पबेरी जेली मैंने बना के रखी थी वो मैं ऐड कर रही हूँ ऊपर से। और जेली ऐड करने से पहले मेक श्योर कस्टर्ड कम्प्लीटली सेट हो जाए नहीं तो मिक्स हो जाएगा। तो इसके ऊपर मैं टॉप कर रही हूँ ड्राई फ्रूट्स। तो हमारा ट्रफल रेडी हो चुका है, रेडी टू गो इन द फ्रिज।
मैं तीसरी चीज़ की तरफ जा रही हूँ, वो है स्प्रिंग रोल का फिलिंग। तो इसके लिए मैंने चिकन कीमा यूज़ किया था और सारे कट वेजिटेबल्स यूज़ किया है और सॉसेस और मसाले। आई विश आई कुड शो यू ऑल द रेसिपी, मगर आराम आराम से फ्यूचर व्लॉग्स में हम दिखाएंगे, क्योंकि अगर रेसिपी भी दिखाने बैठेंगे तो बहुत लंबा व्लॉग हो जाएगा। हम काम कर ही रहे थे और नोटिस किया कि सहरी ख़त्म होने में बहुत कम टाइम है, तो हमने फटाफट चाय हमारी गर्म कर ली है। कभी तो चाय पी रहे हैं, थोड़ी देर में नमाज का टाइमिंग हो जाएगा, मतलब सहरी ख़त्म हो जाएगी, तो इसलिए चाय पी रहे, बहुत थक रहे हैं। थकान मतलब खड़ा होना, थकान बैठ के आराम से बहुत सारे काम कर लिया जाएगा, खड़े होके करा नहीं जाता। मैं यही सोच रही थी कि मैं आटे वाले वो आलू के समोसे नहीं होते वो बनाने का सोची थी, अब मुझे नहीं लगता कि मैं बना पाऊँगी। मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि अजलान कभी भी उठ सकता है, क्योंकि मैं उसके साथ ही सोती हूँ, साथ ही उठती हूँ, मतलब जब वो सोता है तब मैं अपना नैप उठा लेती हूँ, जब मतलब मेरा स्लीपिंग टाइम पूरा कर लेती हूँ। अब जब वो बहुत देर हो गया है वो सो के, तो कभी भी उठ सकता है, तो मैं करते करते मैं उठ गया तो फिर तो मेरा पूरा दिन गया, इसलिए मुझे नींद भी अपनी पूरी करनी है। और अजीम का तो कल छुट्टी है, मगर उनका कुछ काम है कह रहे थे, तो कल सुबह वो चले जाएंगे, तो इतना ईजी नहीं होगा। अजीम घर पे होते तो आराम से हो जाता, मतलब अज़ू को देख लेते ना, अज़ू अकेले ना जब मैं सिर्फ मैं और अज़ू रहते बहुत तंग करता है, उसको हर वक्त मम्मा साथ चाहिए होती हूँ, अगर मैं किचन में खड़ी होती हूँ तो वो साथ ही रहेगा, मतलब वो सिलेंडर के पीछे ही पड़ा रहेगा और कुछ ना कुछ करता रहेगा। तो इसलिए मैं अजीम से बोलने का सोच रही हूँ कल मत जाओ, पता नहीं कुछ ज़रूरी काम है उनका, तो निपटा के आ जाएंगे, मगर तब तक कोई काम हो नहीं सकता जुक रख। तो इसलिए मैं सोची हूँ कि समोसे आलू के समोसे आटा वाला नहीं करूँगी, वो पैटियों वाली कर लूँ, मैं ख़ुद वो शौक से खाती हूँ, मगर अब क्या करें टाइम है नहीं। और अब मैं बना रही हूँ आलू समोसे की फिलिंग, तो इसके लिए मैंने तेल में ऐड किया है ज़ीरा, कसूरी मेथी, चॉप्ड ग्रीन चिलीज़ और मटर। अब यहाँ मैं मटर और आलू को पहले ही गला के रख लिया था तो मुझे आसानी हुई, और फिर थोड़े मसाले भी मैंने ऐड किए हैं, ग्रीन चिलीज़ भी मैंने फ्रोज़न यूज़ किए हैं, फ्रोज़न बाहर से नहीं ख़रीदा, हमने खुद फ्रीज करके रखा हुआ था, तो ऐसी चीज़ों में क्या हो जाता है फटाफट काम आसान हो जाता है। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है प्रीवियस वीडियोज़ जाके ज़रूर चेकआउट करें। और यहाँ हो गया हमारा फिलिंग तैयार, हमने बंद किया नहीं गैस, और मुझे अब अजलान की आवाज़ आ गई, वो उठ गया था तो मुझे दौड़ना पड़ा, मैं मुझे इसी चीज़ का डर था और वो उठ गया बहुत देर से, मैं उसको सुलाने की कोशिश कर रही हूँ मगर सो ही नहीं रहा है। अब देख रहे हैं ना कैसे कर रहा है, 2 घंटे से मैं बैठी हूँ, मुझे हिलने नहीं दे रहा था, उसको नींद है मगर सोना नहीं है, फिर बीच में फ्रेश हो जा रहा है, मैंने सोचा फिर उसको उठा के खिलाऊंगी तो बहुत देर हो जाएगा और क्रैंकी भी रहेगा क्योंकि नींद उसमें है, तो इसलिए वो एक्सपेक्ट कर रहा है कि मैं उसको गोदी में रखी रहूँ। ऐसे बहुत टाइम हो चुका था और मैंने भी उसके बाद 1 घंटे का नैप ले लिया है। तो जो बात मैंने आज सुबह बताई थी कि अज़ू उठ ना जाए, तो जिस बात के लिए मैं डर रही थी कि अज़ू उठ ना जाए, कह रही थी ना सहरी करते वक्त मतलब चाय पीते वक्त, बिल्कुल वही हुआ जिस चीज़ का मुझे डर था। फजर पड़ के समोसों के लिए आलू का बघाड़ लगा रही थी और अज़ू उठ गया, और उठ के एकदम फ्रेश भी हो गया, मतलब बहुत रोने लगा, पता नहीं उसको बीच में एक बार उठना होता है एकदम से रोएगा, वो तो खैर हर रोज करता है, फिर भी सो जाता है, कल पता नहीं एकदम फ्रेश हो गया और मुझे 2 घंटे तक उधर ही बैठना पड़ा और मेरे गोद से हिला नहीं। असली भी कोशिश कर रहे थे, वो भी बहुत नींद में थे, उन्होंने भी कोशिश किया उसको लेने का मगर नहीं, फिर अजीम भी सो गया।
तो मेरा काम बिल्कुल वैसे की वैसे ही रुका हुआ है, तो जल्दी जल्दी काम शुरू करेंगे। ना स्प्रिंग रोल्स बने हैं और ना क्या चीज़ है वो, समोसे बने हैं, मतलब फिलिंग्स तो कर रही है, फोल्डिंग में बहुत टाइम लगता है ना। तो यहाँ मैं फटाफट स्प्रिंग रोल्स बना रही हूँ, उसकी फिलिंग भर रही हूँ। तो ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होता है, अगर दो चार लोग के लिए बना रहे हैं तो सही, ये ज़्यादा लोग के लिए ना ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। मेरे हाथ दुखने लगे थे लिटरली, क्योंकि एकदम से जल्दी 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 कर रही थी मैं। तो ये रोल्स हो गया है तैयार, अब ये जा रहा है फ्रिज में। अब बनाना है समोसे। समोसे बनाने से पहले मैंने सोचा पहले सफाई कर लेती हूँ, क्योंकि किचन की हालत से ना मुझे बहुत उलझन हो रही थी, क्योंकि मुझे ना जब साफ़ नहीं रहता, पता नहीं, मुझे ऐसे लगता है कि हमने होमवर्क नहीं किया वाला फीलिंग होता ना, जब स्कूल कॉलेज में पढ़ते हैं वैसे वैसे वाली फीलिंग होती है। तो मैंने सोचा पहले साफ़ कर लेती हूँ ताकि मैं सुकून से बैठ के समोसे बना लूँगी। तो यहाँ किचन की सफाई हो चुकी है और मुझे सुकून मिला और दिमाग का बोझ कम हो गया। तो अब मैं जा रही हूँ समोसे बनाने। हमारे समोसे भी फोल्ड हो चुके हैं। आई थिंक मैंने सही डिसीजन लिया, क्योंकि मैं सोच रही थी कि आटा वाला बनाऊंगी, अगर आटा वाला बनाती तो मुझे नहीं लगता मैं फिनिश कर पाती टाइम पे, क्योंकि लास्ट मोमेंट पर गैस बढ़ गए थे, तो 23-25 को जा रहे हैं। एक्चुअली आज अजीम बाहर जाने वाले थे, मैंने बताया था ना सुबह जाने वाले थे, तो इसलिए मैं ज़रा परेशान हो रही थी कि अगर जूट गया उस टाइम पे तो कुछ नहीं हो सकता, मगर शुक्र वो नहीं गए। और उन्होंने हॉल की, मतलब ड्राइंग रूम की और बाहर सिट आउट की और वॉशरूम की सफाई कर दी है। वैसे तो साफ़ है, फिर भी ऊपर से जो सफाई करनी होती है वो सफाई उन्होंने कर दी है, तो मुझे बहुत आराम हो गया इससे। मतलब काम जब बढ़ जाता है ना, चाहे कितने छोटा भी काम हो, बढ़ जाता है तो आराम हो जाता है। तो अभी क्या है, चटनियाँ बनाना बाकी है और पकोड़े। तो यहाँ इफ्तारी के लिए सिर्फ 2 घंटे बचे हैं, तो मैंने शरबत बना लिया है, नींबू और रूह अफज़ा का शरबत। तो सब सेट है, अब सिर्फ तलने वाला काम बाकी है। तो मैंने 2 चूल्हे चढ़ा दिए थे ताकि जल्दी जल्दी हो जाए, क्योंकि समोसे हैं, रोल्स हैं, पकोड़े हैं और टाइम लगेगा, क्योंकि क्वांटिटी भी ज़्यादा है ना, तो इसलिए मैंने 2 चूल्हे चढ़ा दिए हैं।
फटाफट तल रही थी, और जैसे मैं तल रही थी वहाँ से एमन के घर से जो उसने चीज़ें बनाई थी वो आ रही हैं, आप देख सकते हैं राइट साइड में। एमन ने डिनर का पूरा इंतज़ाम कर लिया था, उसने बनाया था पुलाव और आंटी ने बनाया निहारी, और इफ्तारी में भी उसने बहुत चीज़ें बनाई थी, छोले चाट और क्या है पिज्ज़ा, ब्रेड पिज्ज़ा बनाया था और स्पेगेटी बनाई थी, और मैंने चटनी भी बना के रख लिया है। और एमन के घर से जो भी उसने बनाया है वो भी धीरे धीरे से आ रहा है। यहाँ हम लेडीज़ के लिए अलग, जेंट्स के लिए अलग ऐसे ट्रेस बना रहे हैं, और पकोड़े भी तल रहे हैं। और मेरे कुक करते करते अजीम को कोई कमेंट मारना ही होता है, वो आके मेरा मजाक उड़ा रहे हैं, कुछ भी ऐसे ही मेरा टांग खींच रहे हैं। तो वो अज्जू को मजाक मजाक में सलाह दे रहे हैं कि बेटा जो अम्मा दे रही है वो चुपचाप से खा ले, नहीं तो दूसरे दिन अंजाम बहुत बुरा होगा कह रहे हैं। तो एमन इधर आ चुकी है, उसके घर से जो भी चीज़ उसने बनाया है वो उठा के आ गई है, और इधर भी लगी है। उसने बोला कि मैं कर देती हूँ, तो तलने लगी, तो मैं दूसरी चीज़ें उठा के दे रही थी, जो प्लेट्स वगैरह जो दस्तर लगाने वाली चीज़ें होती हैं वो उठा के मैं दे रही थी। बेचारी बोलती नहीं है। सबको काट दे। अच्छा सबको पूछ ली तूने जो काट दी ले लूं? आखिर में थोड़ा नहीं जल्दी आगे काम वाम करा ले, उसको पता ही नहीं। माशाल्लाह आज की इफ्तारी बहुत अच्छी सी गुजरी थी, और एमन ने भी सारी चीज़ें बहुत अच्छी बनाई थी, और हम नमाज़ पढ़ ही रहे थे तो हमारे प्यारे जेंटलमैन के यहाँ से चाय 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 की आवाज़ आने लगी, तो हमने चाय चढ़ा दिया था।
और वो भी भगोने में, क्योंकि आप देख सकते हैं अब क्वांटिटी ज़्यादा है ना, और कोई भी ऐसा लोग नहीं है जो कम चाय पीता है, हम भर भर के पीते हैं, तो इसलिए बहुत सारा बना था और माशाल्लाह बहुत अच्छे से बना था। तो चाय से बोलते हैं क्या हम? चाय 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 चाय। और जेंट्स भी ड्राइंग रूम में जो बैठे थे, मैं चाह रही थी कि उनकी भी वीडियो लें मगर हो नहीं पाया क्योंकि बहुत बिजी थे और अजीम भी बहुत बिजी थे, तो इसलिए वीडियो कोई निकाल नहीं पाए। और ये रहा पुलाव जो अहमद ने बनाया था, जैसे मैं हाथ में पकड़ के बैठी नहीं, बस वो बॉल में डाल के दे देंगे। ए यार सब कर ही बात नहीं, आप पे चम्मच, उसका चम्मच भी दे तो हमारा दावत टूवर्ड्स एंड आ चुका है, तो हम घर वाले बैठ के डिनर खा रहे हैं, पुलाव, नहारी और पराठे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अल्लाह हाफिज़।